अगर आप 12th साइंस के अंदर हो तो इस बार आपका नया सिलेबस आया है। तो नया सिलेबस जो था वो एज पर पुराना सिलेबस ही था, लेकिन थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया है। मैं पर्टिकुलर मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करूँ तो उसके अंदर कोई चैप्टर नहीं हटाए हैं, लेकिन टॉपिक्स हटाए हैं। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर तो चैप्टर्स भी हटा दिए। तो आपकी जो नई ब्लूप्रिंट है वो फाइनली आ चुकी है। नई ब्लूप्रिंट कैसी है, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, आपका पेपर स्टाइल कैसा होने वाला है, एक सब्जेक्ट का मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी के सब्जेक्ट का सेम टू सेम। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमने 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट रखते रहते हैं, मोस्ट टाइम पे टॉपिक्स रखते रहते हैं, एग्जाम की अपडेट्स रखते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपकी एग्जाम तक, गुजकेट की एग्जाम, नीट की एग्जाम तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आती रहे वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सो यस दोस्तों, माइसेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिलती रहेगी। अब मैं आपको ब्लूप्रिंट के ऊपर ले जाता हूं। तो ये आपका बोर्ड का नया ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, जो था वैसा ही है और कोई बहुत ज्यादा मैक्सिमम चेंज इन लोगों ने नहीं किया है। 50 MCQ आने वाले थे तो इस बार भी 50 MCQ ही है, 50 MCQ आपके पेपर के अंदर है ए सेक्शन। बी सेक्शन जो था उसके अंदर 2 मार्क के 8 सवाल, मतलब 16 मार्क, 3 मार्क के 6 सवाल, मतलब 18 मार्क, 4 मार्क के 4 सवाल, मतलब 16 मार्क। तो ये भी टोटल कितने हो जाएंगे, 50 मार्क ही हो जाएंगे। क्लियर, ए सेक्शन 50 मार्क MCQ, बी सेक्शन भी 50 मार्क थियोरी वाला जिसमें सम और थियोरी दोनों आते हैं। तो उसमें भी जो पेपर स्टाइल थी 2 मार्क वाले 8 सवाल, 3 मार्क वाले 6, 4 मार्क वाले 4, वैसे करके टोटल 50 मार्क। और इसके अंदर आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे, मतलब एक के और में एक, ऐसा जनरल ऑप्शन होता नहीं है। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स है, जो पहला चैप्टर है वो 8 मार्क का पूछेंगे, दूसरा चैप्टर भी 8, तीसरा भी 9, चौथा 7, मतलब ऑन एन एवरेज आप सबके 8 मार्क मान सकते हो। पहले जो 4 चैप्टर है ऑन एन एवरेज आप, ऐसा फिक्स नहीं रहता, 7 लिखा है तो कभी 8 का भी आ जाता है ना, तो ऐसा आप मान के मत चलना, 7 है तो 7 का ही आएगा। 5वां चैप्टर है 3 मार्क का, 6ठा चैप्टर है 7 मार्क का, 7वां चैप्टर है 8 मार्क का, 8वां चैप्टर 2 मार्क का, 9वां जो चैप्टर है वो 9 मार्क का, 10वां है 7 का, 11वां है 7 का, 12वां है 9 का, 13वां चैप्टर 9 का और 14 नंबर का चैप्टर 7 मार्क का। तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, सेम टू सेम ऐसा ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत इसमें ज्यादा चेंज नहीं होते। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई पार्ट वन में MCQ आएंगे, क्लियर, इसमें 2 मार्क के आएंगे, इसमें आपको 2 इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे, जो 2 मार्क के सवाल है ना उसमें आपको 2 ऑप्शन अंदर अंदर मिलेंगे, फिर जो 3 मार्क के सवाल है उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, और जो 4 मार्क के सवाल है उसमें आपको 1 ऑप्शन मिलने वाला है, क्लियर, 1 इंटरनल ऑप्शन, मतलब टोटल 5 ऐसे सवाल पेपर में बी सेक्शन में होंगे जिसमें आपको इंटरनल ऑप्शन मिलने वाले है। उसके बाद हम आगे जाए तो पार्ट वन जो आपका होगा उसका जो टाइम है वो 1 आवर का होगा, उसके बाद आपका MCQ का पेपर ले लिया जाएगा, और पार्ट बी जो होगा उसमें आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा, आप आराम से 2 आवर में वो लिख पाओगे। मतलब याद रखना कि भाई MCQ का पेपर वो लोग ले लेते हैं, 1 घंटा होने पे MCQ का पेपर आपके पास से ले लिया जाता है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरी ब्लूप्रिंट इन लोगों ने दी है कि भाई 8 मार्क का पूछेंगे पहले चैप्टर में से, तो MCQ कितने आएंगे, 3 MCQ आएंगे, 2 मार्क का 1 सवाल आएगा, 3 मार्क का 1 सवाल आएगा। दूसरा जो चैप्टर है उसमें से 4 MCQ आएंगे, 4 मार्क का 1 सवाल आएगा, तो ये पूरा बाइफरगेट करके दिया है। तीसरा जो चैप्टर है उसमें 4 MCQ, 3 मार्क का 1, 2 मार्क का 1 आएगा, वो जो 3 मार्क वाला है वो ऑप्शन के अंदर चला जाएगा इंटरनल ऑप्शन में। फिर चौथा चैप्टर है उसमें से 2 मार्क का 1 सवाल, 3 मार्क का 1 और 2 MCQ आएंगे, ऐसा पूरा बाइफर्गेशन इन लोगों ने चैप्टर वाइज किया है। लेकिन इसको भी 100% फॉलो नहीं किया जाता है ना, इसको भी 100% 80% तक ये लोग फॉलो करते हैं, 20% अपने आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, मतलब कहीं पे 4 मार्क का लिखा है तो वो 3 मार्क में सवाल आता है, 3 वाला 4 में आता है, तो ऐसा ये लोग हर बार करते हैं। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने न्यूक्लियस में 2 मार्क का सवाल लिखा है 1, तो ये लोग वो 4 मार्क का सवाल पूछ ही लेते, कभी कभी 4 मार्क का पूछ ही लेते, तो ऐसा कोई रूल यहाँ पे फिक्स रहता नहीं है। अब एक पेपर भी इन लोगों ने बना के दिया है सैंपल पेपर, ये खास करना चाहिए, जिसमें 50 MCQ होंगे, है ना, आप देख सकते हो 50 MCQ गुजराती मीडियम में आया है, तो 50 MCQ है, उसके बाद बी सेक्शन है, देखो चौथे के और में चौथा है, इंटरनल 7वें के और में 7वां, और ये फिक्स जगह ही रहती है,
चौथा क्वेश्चन है वहां पे और होगा, सातवां क्वेश्चन वहां पे और होगा, फिर दसवां क्वेश्चन 3 मार्क का वहां पे और है, 14 क्वेश्चन 3 मार्क का वहां पे और है, मतलब 2 यहाँ पे भी ऑप्शन हो गए, और 16 के और में 16 है, 4 मार्क में भी एक आपको ऑप्शन मिल गया। तो ये पूरी पेपर स्टाइल सब कुछ सेम ही रखा है, कोई बहुत मेजर चेंज इन लोगों ने किए नहीं है, लेकिन ये एक पेपर स्टाइल आ चुकी है और जो फंडा होता है पेपर स्टाइल का वो आपको पता चले इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अब ये जो PDF है मैं जरूर से WhatsApp ग्रुप के अंदर डाल दूंगा एक दो दिन में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइंट हो जाए तो उनको भी ये PDF मिल जाए, तो वो लोग भी इसके मुताबिक प्रिपरेशन करें। एक ही PDF में केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स भी है, तो आप तीनों सब्जेक्ट और जो बाकी बचे उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके सभी स्कूल फ्रेंड्स और ट्यूशन के फ्रेंड में जरूर शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।